हेलो बच्चों, वेलकम टू मिशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का एक नया लेक्चर आपके बीच में लाए हैं। हम आप सबको पता ही होगा कि हम फिजिक्स क्लास 12 की यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस कर रहे थे। आपका चैप्टर था कूलम्स लॉ, जिसके हम फर्दर टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपके बीच में 2 लेक्चर ला चुके हैं। जिन्होंने भी वो लेक्चर अब तक नहीं देखा है, एक बार जाके उसको देखें, ठीक है। तो आज हम लोग इसी यूनिट के इस चैप्टर का पार्ट 3 आप सबके बीच में रखेंगे। पार्ट 3 में किन चीज के बारे में डिस्कस करना है, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका। देखिए, कल हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, तो कूलम्स लॉ में हमें बताया गया कि किस तरीके से 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले किसी भी फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा हमने उसमें ये भी सीखा कि उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स यूज होती हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। और हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से कांस्टेंट टर्म्स का भी अपना एक यूनिट होता है, उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कूलम्स लॉ को थोड़ी देर के लिए लिख के आपको दिखाएं, तो कूलम्स लॉ की कुछ एक लिमिटेशंस हैं, वो एक लिमिटेशन जरा समझ लेते हैं। कूलम्स लॉ की बेटा सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो केवल 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल्स मल्टीपल नंबर में आ जाएं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ जाएं, तो इस सिचुएशन में आपके पास कंडीशन ये है कि आप सिंपली कूलम्स लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट कैसे करोगे, ये हमें यहाँ आज समझना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि F is equal to 1/4πε0 × Q1 Q2 / r2, ये हमारे लिए क्या था, ये कूलम की इक्वेशन थी, ठीक है, जिससे हम 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने 2 ही चार्ज पार्टिकल लिए थे, ये भी हमने कल देखा था, है कि नहीं। इनका डिस्टेंस r था, इसको हमने Q1 लिया, इसको हमने Q2 लिया। लेकिन थोड़ा सा अगर सिचुएशन को बदला जाए, सपोज कीजिए कि ये एक पार्टिकल है, इसका चार्ज कितना है, Q0 है। क्या है, Q0। Q0 क्या, किस इसे क्या कहते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार ये भी यहां मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, जब भी कहीं मैं Q0 वर्ड यूज करूं या बुक में कहीं पर भी Q0 का मतलब Q के नीचे ऐसे 0 लगा हो, तो आप ये समझ जाए कि वो यूनिट चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट चार्ज। इसे और क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं इसको, टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल होता है, ये सिर्फ ये देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पर कि इसको रखा गया उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है या नहीं। अब ये कैसे देखा जाएगा, देखिए, अगर आप किसी प्लेन सरफेस के ऊपर इस टेस्ट चार्ज को लाके रखते हैं, तो या तो ये अट्रैक्ट होगा या ये रिपेल होगा, 2 ही कंडीशन हो सकती है। बस दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर वहां ऑलरेडी अवेलेबल है, तो या तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर इसको रिपेल करेगा, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है कि इस पे चूंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने पर क्या होगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, या तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या ये रिपेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि हमने जहां पर इस चार्ज पार्टिकल को रखा है वहां ऑलरेडी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, टेस्ट चार्ज रखा गया। अच्छा, कुछ और चीजें इसके बारे में समझिए, इसको यूनिट चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा 1 कूलम्ब ही ली जाती है, ठीक है। क्या ली जाती है, 1 कूलम्ब ली जाती है, ठीक है। तो 2 चीजें मैं समझे कि Q0 को यूनिट चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम हमेशा 1 कूलम्ब लेते हैं, और टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस बात को टेस्ट करने के लिए काम आता है कि वहां पर ऑलरेडी कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। वन मोर थिंग, अब जरा इस बात को भी समझ लेते हैं कि इस Q0 पे चार्ज कैसा होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ये बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, बहुत सारे केसेस में हमें ये डाउट हो जाता है कि सर Q0 पे कौन सा चार्ज था, हमको पता ही नहीं था। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनमें पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसी टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी मैं Q0 की बात करूं, यानी यूनिट चार्ज की बात करूं, तो यूनिट चार्ज पार्टिकल को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये इस टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए ये एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने इस प्लेन सरफेस पर पुट कर दिया। अब इसके चारों तरफ बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इस तरीके से यहां पर प्लेस्ड है, ठीक है। देखिए, ये लीजिए, सपोज कीजिए सारे चार्ज पार्टिकल्स, लेट दिस बी Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
क्यू नाइन, जितने भी ले सकते हैं इनफाइनाइट नंबर भी ले सकते हैं। अब हर एक चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे आप, हर एक चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से आप मीट कर देंगे। इसे क्या कहते हैं लाइन को, ये वो लाइन है जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करती है। ठीक है, लाइन दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कूलम्स लॉ में जो हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को डिस्कस करते हैं वो कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। और सेंट्रल फोर्सेस होने का मतलब ये होता है कि बेटा कि वो अलोंग द लाइन, जो ये लाइन आप बना रहे हैं ना, इस लाइन के अलोंग इस पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए इनका डिस्टेंस कितना कितना है, सपोज कीजिए ये आर वन, आर टू, आर थ्री, ये आर फोर हो जाएगा, है ना, आर फाइव, इस तरीके से आप सबके डिस्टेंस भी लेट कर सकते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि जो ये आपने टेस्ट चार्ज यहां पर रखा है, मैंने अभी आपसे कहा कि जब इसको हम किसी सरफेस पर रखेंगे, किसी प्लेन सरफेस पर रखेंगे या किसी ऐसे सरफेस पर रखेंगे जहां पर हमें चार्ज प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना है, तो आपने इसको रख दिया। अब ये कैसे पता लगेगा कि वहां पर एक चार्ज है या बहुत सारे चार्ज अवेलेबल है, तो ये इस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसी चीज को समझाया था किसने, इसी चीज को हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और ये किस तरीके से फोर्स को निकालने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चलिए ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन। आइए इस डेफिनेशन को एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस, देखिए ना ये बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस लिए हैं ना, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोई जरूरी है कि वो इस पर ही फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जब हम सुपर पोजिशन का अप्लाई कर रहे होंगे तब ये वाला चार्ज पार्टिकल केवल इसी पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बाकी इनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा होगा वो अभी हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहा इन्होंने, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स एफ, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, कौन सा गिवन चार्ज, इस गिवन चार्ज को हमने टेस्ट चार्ज माना है। कुछ लोग इसके बदले गिवन चार्ज के बदले टेस्ट चार्ज भी यूज कर सकते हैं या यूनिट चार्ज भी यूज कर सकते हैं। ऑन अ गिवन चार्ज इज द, बहुत ध्यान से समझेंगे, वेक्टर सम। देखिए सम दो टाइप का होता है, कौन कौन से, एल्जेब्रिक और वेक्टर सम। तो यहां पर वेक्टर सम पर फोकस किया गया है, वो क्यों किया गया है उसके बारे में हम अभी थोड़ा इसके आगे समझेंगे। ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, किसका इंडिविजुअल फोर्स, देखिए इस यूनिट चार्ज पर हर एक पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल फोर्स लग रहा होगा, कुछ फोर्स ये अप्लाई कर रहा होगा, कुछ ये अप्लाई कर रहा होगा, कुछ ये अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही सभी चार्जेस अपना अपना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे जिसे इंडिविजुअल फोर्स कहा गया। ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, ये देखिए क्यू नॉट है, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, बाय ऑल द अदर चार्जेस। तो ठीक है, डेफिनेशन कहती है अगर आपको इस टेस्ट चार्ज पर टोटल फोर्स अप्लाई कितना हुआ है ये कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, हर एक फोर्स का इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करना होगा, सॉरी हर एक चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स कितना लग रहा है वो आपको कैलकुलेट कर लेना होगा, उसके बाद उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना है। मैं बार बार वेक्टर सम पे इसलिए आपको लेके बिठा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ वेक्टर टर्म की अपने एक स्पेसिफिक वैल्यू है। चलिए तो देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मुझे अगर टोटल फोर्स निकालना है, मैं वेक्टर सम लिखा है इसलिए यहां पर इस तरीके से एरो ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, टोटल फोर्स एफ किस पर, इस चार्ज पार्टिकल पर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाया गया फोर्स जो है वो निकाल करके उसको वेक्टर थ्रू ऐड कर दूंगा, वेक्टर के साथ ऐड कर दूंगा। देखिए इसके वजह से इस पर लगने वाला फोर्स एफ वन ऐड कर लेते हैं, ये एफ टू होगा, ये एफ थ्री होगा, ऐसे ही सो ऑन। चलिए तो इनके बीच में कितना फोर्स लगा, लेट दिस बी एफ वन, ठीक है, लेट द सेकेंड फोर्स बी एफ टू, लेट द सेकेंड फोर्स बी एफ थ्री, ऐसे करते करते आप कहां तक जाएंगे, किसका फोर्स निकालेंगे, एफ एन तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वो डेफिनेशन था, वो फॉर्मूला था जिससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहां पर वेक्टर सम क्यों लिया गया? As we all know that, कि जब हम फोर्स निकालते हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और कल भी हम लोगों ने, कल का मतलब जब हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म पढ़ा. वहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दो चीजें इंपॉर्टेंस वहां पर बताई गई है वेक्टर फॉर्म की. द नंबर वन इज कि अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो वो ये क्लियर करता है कि लगने वाले फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं. इस बात का क्या मतलब है, आइए समझ लेते हैं. ये जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पर अप्लाई करेगा उतना ही ये वाला पार्टिकल उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर आप पहला वाला लॉजिक समझेंगे उसका, तो फर्स्ट लॉजिक में क्या कहा कि लगने वाले फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे. नाउ सेकेंड पॉइंट ने कहा कि अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं तो वेक्टर फॉर्म का मतलब यह होता है कि आप ये भी क्लियर कर रहे हैं कि जो लगने वाला फोर्स है दैट इज सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो अलोंग द लाइन लगता है, इन दोनों को मीट करने वाली इस लाइन के अलोंग वो अप्लाई हो रहा होगा. इसलिए हम यहां पर बार बार वेक्टर फॉर्म यूज करके चले आ रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसकी हेल्प से हम किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर मल्टीपल टाइम्स जो फोर्स लग रहा होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमको समझाया. ठीक है, चलो. तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. कल हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो कूलम्स लॉ में एक कॉन्स्टेंट टर्म बार बार यूटिलाइज हुई थी जिसे हम लोगों ने एप्साइलन कहा. ठीक है, तो अभी वो एप्साइलन के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं. कल हम लोगों ने उसकी वैल्यू, उसकी जो यूनिट थी, इन सब के बारे में समझा था. ठीक है, क्या था वो टर्म? उस टर्म को हमने कुछ ऐसा लिखा था, है ना, क्या कहा था इसको हमने? हमने इसको एप्साइलन कहा था. क्या कहा था इसको? एप्साइलन. ठीक है, और अगर यहां पर जीरो लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एप्साइलन नॉट. दोनों में डिफरेंस है. देखिए, जब एप्सिलॉन नॉट लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वहां पर वैक्यूम या एयर को एज अ मीडियम लिया गया है, या तो वैक्यूम को या एयर को. अब वैक्यूम और एयर दोनों सिमिलर तो नहीं होते ना, ये तो सभी जानते हैं कि वैक्यूम का मतलब देयर इज नथिंग, कोई मीडियम ही नहीं है, और यहां जानते हैं एयर इज अ मीडियम. तो फिर अगर दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो फिर हम एप्सिलॉन नॉट को वैक्यूम और एयर दोनों के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? अगर ये आपको समझना है तो हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का, आप वहां पर जाके देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको समझाया है कि क्यों हम एप्साइलन नॉट को एयर और वैक्यूम दोनों के लिए कंसीडर करते हैं, हालांकि फिजिक्स ऐसा करने की परमिशन या साइंस ऐसा करने की परमिशन हमको नहीं देती. ठीक है, चलिए. और अगर कहीं पर केवल एप्साइलन यूज हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी स्पेसिफिक मीडियम को दिखाएगा, और वो मीडियम कम से कम एयर और वैक्यूम तो नहीं होंगे, कोई थर्ड मीडियम हो सकता है, एयर तो नहीं होगा क्योंकि एयर के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं. ठीक, आइए देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है जो एप्सिलॉन नॉट पर ही डिपेंड करता है. एप्सिलॉन नॉट का नाम एक और था, याद है आप लोगों को, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अगर मैं केवल एप्सिलॉन यूज करता हूं, केवल एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम. अगर मैं एप्सिलॉन नॉट यूज करता हूं तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. टॉपिक का नाम है रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, चलिए. तो आगे देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है. ठीक है, चलिए. तो ये है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन. लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी के अलावा हम इसको और किस नाम से जानते हैं. इसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आप ये नाम भी यूज कर सकते हैं और ये नाम भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं डेफिनेशन. द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? देखिए, जब भी रेशियो की बात हो गई तो अपॉन तो आप यूज करेंगे, है ना. किस किस का रेशियो? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. क्या कहा हमने? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन टू द
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि एप्सिलॉन नॉट, ये डेफिनेशन कहती है। लेकिन डेफिनेशन ने कह दिया और हम इस चीज को ऐसे ही मान लें और इसके पीछे का रीजन हम ना समझें तो थोड़ा सा ये हमारे लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमें हर चीज के पीछे का देखिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है फिजिक्स पढ़ने का, आप किसी भी जगह पढ़ के देखें, कहीं से भी कुछ समझ के देखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप हर चीज के पीछे का लॉजिक ढूंढें कि जो चीजें बुक में लिखी गई हैं, जो किसी टीचर ने एक्सप्लेन की हैं, वो ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने डेफिनेशन में तो कह दिया कि भाई ये दोनों का रेशियो है और हमने आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे डिराइव हुआ, ये कहां से आया, ये भी हम सीखेंगे। तो फिलहाल जरा इसको पहले खत्म करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर से। तो इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर। कहीं कहीं पर कुछ लोग एप्सिलॉन और आर के बदले क्या यूज कर लेते हैं, कैपिटल के भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम भी दोनों यूज करेंगे, तो एप्सिलॉन आर ले लें या के ले लें, दोनों ही रिलेटिव परमिटिविटी के डिनोट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, जिसे डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, इसको एप्सिलॉन आर या कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। डेफिनेशन कहती है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ये इस डेफिनेशन ने कहा है। आइए देखते हैं कि ये रेशियो आया कैसे था। ठीक है, चलिए हमारे पास कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे और हम मल्टीपल टाइम्स यूज करने के बाद देखेंगे कि वहां से क्या निकल के आता है। पहला कंडीशन हम ले रहे हैं, हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, किसी मीडियम के लिए। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी मीडियम में रखे हैं, तो उन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4 pi एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि नॉट का मतलब आप वैक्यूम या एयर में चले गए। इनटू क्या होगा, Q1 होगा, Q2 होगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस ले लेते हैं। सपोज कीजिए अब आपके पास दो और चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब वो दो चार्ज पार्टिकल्स कहां रखे हैं, वो वैक्यूम में रखे हैं। उनके लिए क्या होगा फॉर्मूला, उनके लिए एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस करेगा एप्सिलॉन को। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलिए अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बच्चों, लगता है सर हम इसको इससे क्यों करें, उल्टा क्यों ना कर दें। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज से किसी चीज को रिलेट करते हैं, जैसे हम वैक्यूम से ही सबको रिलेट करते हैं, अगर आप फिजिक्स में देखें तो सारे डेरिवेशन सारे डेफिनेशन जो है वो वैक्यूम को ही स्टैंडर्ड वैल्यू मान के लिए गए। तो जिस चीज को आप स्टैंडर्ड मानते हैं वो हमेशा कहां रहता है, वो हमेशा ऊपर जाएगा, और दूसरी वाली वैल्यू कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वैक्यूम ऊपर लिख देंगे और मीडियम को नीचे लिख देंगे। मैं एक बार फिर आपको इलेबोरेट कर दूं कि आपने वैक्यूम को ऊपर क्यों रखा। देखिए आप मार्केट में गए और आपसे कहा गया, किसी ने आपसे पूछा, आपसे मैंने पूछा कि 100 kg आलू का क्या रेट होगा, तो आप पहले क्या चीज ढूंढना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि सर मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू बता दीजिए। तो हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू को ही आप क्या लेते हैं, आप स्टैंडर्ड वैल्यू को ही एक बेस के रूप में लेकर के तब उसके बाद किसी दूसरी वैल्यू को वहां पर लाके पुट करते हैं। तो वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो अगर मैं वैक्यूम ऊपर ले रहा हूं तो वैक्यूम का जो फॉर्मूला है ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square आ गया। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिख देते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी, यहां पर सिर्फ एप्सिलॉन ही होगा, क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी आप ध्यान से अगर देखें तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे 1/4 pi से पहले एक ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। अब जब आप इस चीज को इससे डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो ये आप जानते हैं पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी कि ये रिवर्स हो जाती है, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास जो बचा मैं वहां ऊपर लिख देता हूं, आपके पास जो टर्म्स बची हैं वो ये हैं,
यहां से बचा एप्साइलन और यहां से बचा एप्साइलन नॉट, और यही तो आपने अभी लिखा था। ये देखिए यही क्या है आपके लिए, यही तो एप्साइलन आर है जिसे हम के भी कहते हैं। तो ये देखिए ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, ये इस तरीके से डिराइव करके आप निकाल सकते हैं। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक हम एग्जाम में क्या ध्यान रखते हैं, जो हमने पढ़ते समय इस्तेमाल की, ये मैं देखिए मैं बार बार आपको उस जगह पर लेकर के आ रहा हूं जहां मुझे पता है मिस्टेक होती है। क्या होता है कि हम जब दो इक्वेशन निकाल लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसको इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें, हमको यही नहीं पता लगता। और अगर आपने ऐसा गलती की तो फिर ये क्या होगा, आप जानते हैं कि तुरंत ये उल्टा आ जाएगा। उल्टा आने का मतलब डेफिनेशन पूरी की पूरी आपने अपोजिट लिख दी है। तो मैं बार बार आपको इस चीज पे ला रहा हूं कि आप गलती कहां कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक करें। तो हमने इस तरीके से ध्यान रखा था कि चूंकि वी, आप अगर एबीसीडी सीखते हैं तो वी बाद में आता है और एम पहले आता है, तो यहां पर ये उल्टा चलता है। हम इसको मानते हैं कि जब वी है ना वो वहां बाद में आता है, यहाँ पहले आएगा और एम वहां पहले आता, तो एम हम बाद में लिखेंगे। देखिए हम वैक्यूम ऊपर लिखेंगे, पहले वैक्यूम लिखेंगे और तब मीडियम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप निकालते हैं ये रिलेशन, ठीक है। अब जरा इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से आप देखें। अभी हमने क्या सीखा कि जो एब्सोल्यूट परमिटिव, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट परमिटिविटीज का रेशियो है ना। डेफिनेशन ने तो यही कहा था ना, कौन कौन सी परमिटिविटी का, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी का जो रेशियो है उसे हमने क्या कहा, एप्सिलॉन आर या के बोला है। अच्छा अभी देखिए जरा इधर क्या देख रहे हैं आप, यहां से एक और डेफिनेशन आ सकती है। क्या आ सकती है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ऑफ द वैक्यूम एंड मीडियम, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये लीजिए यहां से हम एक और डेफिनेशन निकल के आ गई, यानी कि हम समझ गए कि हमारे पास एप्सिलॉन आर या के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये हम बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये अभी बहुत सी डेरिवेशन में आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास इस कूलम्स लॉ का थ्योरी ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, आगे जो हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं उसमें हमारे पास सिर्फ क्या सीखना है, हमको सीखना है कि चार्ज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी सरफेस के ऊपर। देखिए चार्ज की बात हो रही है ना, तो किसी सरफेस के ऊपर चार्ज बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, लीनियरली भी हो सकता है, वो उसके सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो किसी गिवन वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यहां पर हमें तीन चीजों के बारे में स्टडी करना है, और वो क्या है, हमें चार्ज डेंसिटी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ ही गए होंगे आप, ये डिसाइड करना कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस पर चार्ज किस अमाउंट में अवेलेबल है। हम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसके तीन पार्ट हैं, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट होती है, सेकंड क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, और तीसरा क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये रो से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि इन तीनों की डेफिनेशंस क्या है। तो देखिए बहुत क्लियर सी बात है, डेफिनेशन के बजाय हम इसका फॉर्मूला अगर सीखे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर देखिए हेडिंग से क्लियर है लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब किसी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। हम उसे किससे दिखाएंगे, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये हमारा क्या आ जाएगा लैम्डा का फॉर्मूला। क्यों, कैसे आया, कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अलोंग द लाइन, तो लाइन के बदले एल ले लिया, चार्ज के बदले क्यू ले लिया, ठीक है। इसकी एस आई यूनिट क्या लेंगे आप, इसकी एस आई यूनिट क्या लेंगे, ये कूलम है और यह कौन में क्या है मीटर, तो कूलम पर मीटर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाला क्या था हमारे पास, सरफेस चार्ज था,
सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। चलिए क्या होगा इसमें? इसमें चार्ज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पर? पूरे सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए आप क्या ले लेंगे इसके बदले? यहां पर आपने क्यू लिया तो यहां भी क्यू, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहां पर एल लिया तो यहां सरफेस के बदले आप दो चीज कर सकते हैं, ए भी ले सकते हैं और एस भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम कुछ लोग एरिया भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? इसके सेंटर आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरा और फाइनल तीसरा क्या है हमारे पास? देखिए जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड पार्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस पर? पूरे वॉल्यूम पर। तो क्या जाएगा अपॉन में इसके? अपॉन में इसके वी आ जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? देखिए बहुत ज्यादा समय उन चीजों में नहीं खराब करना जो इजीली हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव होना है, हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। चार्ज कूलम, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, ये लीजिए ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी, इसके तीनों कंडीशन आ गए। तो आज का ये लेक्चर जो है ये यहीं पर खत्म होता है, और इसी के साथ हम ये भी बता दें आपको कि कूलम्स लॉ जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, फर्स्ट चैप्टर जो था उसका थ्योरी पार्ट भी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये खत्म हो गया है। तो अब जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स, बोर्ड न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से चैप्टर से आए थे, कौन कौन से बोर्ड क्वेश्चंस आए हैं, और इसके अलावा आईआईटी जेईई में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहां से पिक किए जाते हैं, हम ये सब कुछ आपकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।